अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। जहाँ गाइस, तो आज मैं आपको एक छोटा सा आपको एक विजिट देता हूँ हमारे गेस्ट हाउस का, क्योंकि जब काम चल रहा था तो मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद काफ़ी टाइम हो गए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो अभी हमारा ये पीछे रहा छोटा सा गरीबाना गेस्ट हाउस, तो मैंने कहा दोस्तों के साथ विजिट करते और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो ये रहा हमारा गेस्ट हाउस और यहाँ का नज़ारा थोड़ा आउट वाला ये है। इस तरह आप देखो कि यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है और ये है अनाज का फसल। यहाँ से आप जैसे गेस्ट हाउस से बाहर निकलोगे तो आपको ये नज़र आएगा, और उसके बाद अब अंदर चलते हैं देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको वेलकम होता है यहाँ से, जो भी देखो माशाल्लाह। अब हम चलते हैं अंदर और गाइस उसके बाद ये है फूल, एक छोटे से अभी काफ़ी टाइम के बाद हमने इनको पानी दिया है। और उसके बाद आप जैसे चलोगे तो ये रहा गैराज, यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती है, अभी एक बार खड़ी है। और उसके बाद ये रहा हमारा देसी बेचनल चार पहिया, इधर भी बिस्तर लगे हुए पांच छह पड़ी है, जो भी मेहमान आता है हम यहाँ पे एक छोटा सा हमारा ये गरीब खाना गेस्ट हाउस। तो गाइस यहाँ से नज़ारा है इस यहाँ का, यहाँ पे हमने चार खिड़की रखवाई है ये हवाई के लिए, और प्रबंधन यहाँ पे खड़ा होकर भी ना पूरा नज़ारा चेक करेगा तो भी वीवीआईपी मज़ा देता है सनराइज। इस तरफ ये सामने ये जो देख रहे हो ये नहर है, और ये नहर का पुल, इधर ये जो रोड जा रहा है ये साबर रोड न्यू जा रहा है इधर और। तो गाइस यहाँ से थोड़ा बस दिखाने का मतलब ये है कि हमारा गरीब खाना, और यहाँ पे थोड़ा लुक इसे ही दिखता है। ये कज़न की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे सनराइज। ये अभी नीमों का मसला ये है कि अभी आ रहा है पतझड़ मौसम, तो इसमें ये सारे नीमे ने पत्ते सारे नीमों के पत्ते झड़ गए और अभी नए हो रहे हैं, इनको हम पानी नहीं दे रहे। और ये रहा हमारा एक छोटा सा पार्क था, पर अभी ये चलने की वजह से इधर से नहीं हो रहे। बाकी इसमें जो फूल है आप देखोगे, और उसके बाद और लिखिए। तो गाइज़ उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा विजिट है हमारे गेस्ट हाउस का, कभी भी आओ हम आपको यहाँ पे मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।